बढ़िया जलेबी आधा किलो दियो, बड़ा मोटा मोटा जलेबी। आज है मुहर्रम की 10वीं तारीख और हम जा रहे थे पचपड़वा, थोड़ा सा काम था हमारा। उसके बाद में जैसे देखा बच्चों ने मोटरसाइकिल निकालते हुए, बस तुरंत सब लोग तैयार हो गए। अब तक मैं चाहता तो पचपड़वा से वापस भी आ जाता, हमारा काम भी हो जाता। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वहीद ब्लॉग में। चलते हैं वीडियो को हम शुरू करते हैं। दरअसल बात ये थी कि पचपड़वा सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरा काम था, वो काम करके हम आ जाते, लेकिन इन सब के चक्कर में ये लोग नहाते धोते सब कुछ करने के बाद में जब रेडी हुए हैं 1 घंटे के बाद, तब फिर मैं इन सबको लेके जा रहा हूँ। अब जाऊँगा थोड़ा सा बाज़ार में, उनको मैं दिखा दूँगा जलूस वगैरह और जो कुछ है। अगर जा पाएंगे अंदर तक तो जाएंगे, नहीं तो भैया बहुत मुश्किल है कि हम जाएंगे। इसलिए कि ये लोग 5-5 लोग हैं, 5-5 लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठा कर मार्केट के अंदर चलाना काफ़ी मुश्किल है। तो छोटा वाला लड़का जो हमारा वो मोबाइल भूल गया घर, गया मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल लेके आ जाए, उसके बाद में फिर यहाँ से हम चलते हैं। जो कुछ होता है आज के दिन सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे, मुहर्रम की 10वीं तारीख वाली जो भी पचपड़वा से लेकर अपने गांव तक के, यानी पूरे दिन का अपडेट अपने वीडियो में दिखाने वाले हम। तो ये देखिए सब लोग यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं, ये देखिए सब लोग हैं ना, सब लोग लाइन पर लगे हैं। हमको जैसे देखते हैं कि कहीं पर जा रहे हैं, बस तुरंत तैयार हो जाते भैया, तुरंत नहाने धोने सब कुछ तैयार होकर रेडी हो जाते हैं। ये लोग मजबूरी है लेकर जाना पड़ता है कि हमने सोचा कि चलो ठीक है घूम लेंगे, नहीं तो जब अपने काम पर होते हैं तब तो भाई कोई बात ही नहीं है, वो अपना हम अपना चले जाते हैं, ये लोग आराम से घर बैठे रहते हैं। लेकिन जिस दिन कहीं पर नहीं जाना होता है उस दिन सबसे पहले यही तैयार होते हैं। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, वो मोबाइल लेके आ जाए, फिर चलते हैं हम यहाँ पर। बाकी ये देखो सब ऐश करो। और एक बात और ध्यान से हमारी सुन लीजिए, कल का मौसम, परसों वाला मौसम, यानी 7वीं, 8वीं और 9वीं तक के धूप इतनी कड़क थी, इतनी कड़क धूप थी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और आज देख लीजिए मौसम किस तरह का है, बादल है, छांव है, लेकिन यह है कि कहीं बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो जान लीजिए कि त्यौहार लोगों का एकदम से किकरा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, मतलब जिस तरह से आना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, जो कुछ होता है सब बढ़िया होता है, अल्लाह पाक जो भी करे बेहतर करे। ये सीन था, ये नज़ारे थे हमारे गाँव के, सारे खेतों की रुपाई हो चुकी है, बस इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए, बस निकल ले यहाँ से हम। ए काहे इतना हल्ला गुहार कर तो रहे हैं, ए कहाँ जाते रे, ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं मोबाइल लेकर, उसके बाद में कैसा कैसा बोल रहे आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जा रहे पचपड़वा, अपना इंजॉय करेंगे, उसके बाद में भी थोड़ी देर में वापस आएंगे घर, तब फिर मजा आएगा। ये देख लीजिए हाँ वो तो हो गए, जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा हो चुका है, बाकी इन लोगों को अब घूमना बाकी है। तो सोच रहे हैं कि एक बार इनको पुरानी बाज़ार लेकर चले जाएं, उसके बाद में फिर वापस ले आएं और फिर यहाँ से निकल लें। तो देखिए सब लोग लगे हुए हैं पीछे एकदम से, बाकी इधर आ रहे हैं, ये देखो ये चौराहा है, इधर बिरयानी की दुकान है। हाँ चलो चलो चलो, कहाँ जगह ना है मोटरसाइकिल, बहनी कहाँ बैठी गए, खाई लो खाई लो खाई लो, हाँ खाई लो, कहाँ गए थे, अब कहाँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे कोई रुकत ना ही, खाली भागते रहा थी यहाँ से बाहर, परेशान के लिए गमने से, चलो जल्दी चलो। तो फाइनली हम सबको पुरानी बाजार लेकर पहुँच चुके हैं, और ये देखिए जल्दी से, ठीक है तो चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं उसके बाद में चलते हैं। गाँव पंडित जी का हालचाल है, ठीक है बढ़िया है हम लोग, हाँ फिर दिखा दी लड़के का यार, चलो हो चलो, हाँ सब ठीक है।
कूदो ना चलो। ये देख सकते हैं सामने हमारे, चलो चलो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। दस मिनट में सारा काम हो गया भैया, बहुत तगड़ा भीड़ है यार। और चलते हैं घर अब हम, चलो बैठो सब लोग चलो। पहुँचे गुड्डू भाई के दुकान पर और लोग अपना अपना फरमाइश बता रहे हैं, लेना कुछ नहीं है। क्या हुआ बताओ, क्या करबो यार, बेकार चीज़ है। अच्छा तो है वगा का कर वो। हाँ ऐसा चीज ले जो बच्चों के इस्तेमाल में आए बढ़िया। ये है सिगरेट, कितने खाई? 260 के लिए का है, एक के लिए नहीं आडी ले लिया का लिखे वाला देख कितना बढ़िया देख देख। हाँ एक ले 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 नहीं तो फिर यार लड़का तू हो कम से कम मोबाइल से फुर्सत तो मिलेगा मुझे, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। पैसा रखा कौन खड़ा होना वहाँ वो का कर डोरीमोल वाला का हुआ है। इन लोगों को जब हम पचपड़वा लेकर आते हैं साथ में ही तो जान लो कि कुछ ना कुछ ये लोग जरूर लेंगे। और दुकान पहले से ताड़े रहते हैं, वह पहुंचते हैं वहीं पर गाड़ी रुकवा देते हैं कि मुझको ये चाहिए वो चाहिए। अब सब लोगों ने अपना अपना सामान ले लिया है, इसमें नहीं लिया। हाँ सही से कफो, लेकिन कॉफी वाला कफो का क्या कर दो, कॉफी वाला कफ है ना कुछ ना लेना भाई, नहीं तो चलो पैसा ले लिया घरे तो सामान खाई लिया कौन चीज लेके वो सबसे बढ़िया लगी। मेरे साथ कहूँ चले घूमे तो ले लिया भाई, रह के चलो 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 भागो चलो चल लेके आ चल 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 जल्दी चल। बाकी चौराहा एकदम पूरा सुनसान है यार, सब लोग पुरानी बाजार हैं। कसम से भाई परेशान कई दिन लड़के यार हम में इनके सबके फरमाइश जो रहते है पूरा ना हो सकत है। एक तो काबले देखा था दूसर तुरंत दिमाग लगा देते थे कि चाहिए वो चाहिए, और पूरे बाजार में यहाँ एकदम से ही परेशान के दिन हर जगह रुकत रहे, हर जगह रुकत रहे। जलूस में जाते ज़्यादा 10 मिनट रहने उसके बाद में वहाँ से भाग जाने, इतना गर्मी रही कि हम क्या बताइए। बाकी ये देखो भी है जाए थे अपन घरे, अब भाई गाँव में यहाँ जब जाइए घूमें सबको यह नहीं जरूरत है यह नहीं चाहिए, ऐसे हो थे लड़के। चलो 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 चाहिए थे गाँव में, यहाँ भोला बाबा की जलेबी आने आधा किलो, देखिए कहाँ है गाँव के सीन देख सकते हो।
बड़ी भीड़ भाड़ है यार एकदम से। क्या हाल है मुबीन? ए बाबा आधा किलो जलेबी दो तो, बढ़िया जलेबी आधा किलो दो, बड़ा मोटा मोटा जलेबियाँ बनाए, क्या बात है बाबा? है मोटना है बाबा, देखो देखो वो मोटना है हो हैं, बताओ तो सब। अभी बड़ा एकदम ठंड माहौल है, क्या बात है हो? अच्छा ए चाऊ, ए चाऊ भैया खाई देखी मीठा उठा के नहीं। बहुत मीठा, बहुत बढ़िया जलेबी है, एक नंबर। कहा बाबा ये कुंटल जलेबी तो बेचे हो ना? आज तो बाहर है तुहार। वाह वाह, क्यों भैया सलाम चला हो? अरे अब तो आ गया, वो तो जब पैसवा रहते तो खर्चों का अच्छा लागत है। ये हमारे गांव के नौजवान कमेटी का सब कुछ चल रहा है, 10 दिन तक के यहाँ पर तकरीर हुआ है लगातार 10 दिन, और ये कमेटी जो हमारी है ढोल ताशों के करीब नहीं जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ढोल ताशों के करीब मत जाइए भाई, गुनाह वाला काम मत करिए। हम जानते हैं बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोग मुझे गाली भी देंगे, क्योंकि पिछले साल भी मैंने बनाया था तो आप लोगों ने बोला था, और इस साल भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बाप दादा जो थे ना वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके मन में जो आता था वो करते थे, लेकिन कम से कम यार आज के जनरेशन में हम लोग पढ़े लिखे भाई, हम लोग जानते हैं समझते हैं हर चीज़, तो फिर क्यों ऐसा गुनाह करें? खैर अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर हो सके तो इस चीज़ को छोड़ दें। आप ये देख सकते हैं आप, हम पचपड़वा से लेकर अपने गांव तक के मतलब वीडियो बनाकर हम दिखाए हैं ही, और हर जगह मतलब वही चीज़ देखा जा रहा है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग भाई ऐसा नहीं करते हैं। ये देखिए हमारे गांव की नौजवान कमेटी है, ये लोग तकरीर करवाते हैं 10 दिन मतलब पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक के, लेकिन ढोल ताशे सबके करीब नहीं जाते हैं, इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लोग इससे समझते हैं जानते हैं इससे दूर रहते हैं। बाकी आज के दिन सभी किया जा रहा, देख लीजिए देखिए नजरे हुसैन कोई प्यासा ना जाए। हमारे पीछे देख सकते हैं भाई ताजिया मतलब गांव से आ रहा है ठंडे होने के लिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा एकदम तो फाइनली हम लोग अपने गांव के करबला पर पहुंच चुके हैं, पीछे देख सकते हैं करबला है अभी, उसके मतलब साफ़ सफाई की जाएगी, उसके बाद में फिर वहां पर रखा जाएगा, और ताजिया आ रहा है गांव से, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, और ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं करेंगे क्योंकि भाई गाँव वालों ने मना कर दिया था कि ये वीडियो नहीं बनाना है, इसीलिए हम नहीं बनाए। बाकी आप देख सकते हैं सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ये वाला पर पहुंच गए ताजिया, देख सकते हो। अब मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई
अल्लाह ताला जिसकी जिंदगी बरकरार रखेगी वो भी अगले साल मुहर्रम देखेगा। कहे से दुनिया में आए हैं तो एक दिन भाई सबको जाना ही जाना है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो आज नहीं तो कल जाना ही है। तो जो रहेगा वो देखेगा, जो नहीं रहेगा वो तो भाई नहीं देखेगा। तो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले साल ही मुहर्रम की वीडियो देख पाएंगे आप लोग। यहाँ देख सकते हो सब लोग आ गए, जितने लोग हैं सब आ गए।